नहीं है तो और क्या, काम नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं है लाइफ। तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, काम ना करें, काम काम और काम, जाके देखें तो मिट्टी इकट्ठा बन जाता है, जम जाता है ना डेकोरेशन पीस के ऊपर, डेकोरेशन पीस के ऊपर तो और क्या, जो काम नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इंसान बैठे काम के लिए होता है वो, कोई दूसरों के क्या मतलब, मेरे बच्चे मेरा शौहर दूसरे हैं, आज की नस्ल यही तो समझती है, फिर तो माँ फिर, हाँ हाँ फिर आप मुझसे क्यों काम करवाते हो, ना करवाया करो फिर, कभी आप कुछ कहती है कभी कुछ, तो कभी कहती है औरत को काम करना चाहिए ना, तो आप तो एक्नॉलेज नहीं करते, रोज आप तो एक्नॉलेज भी नहीं करते, चलो मान तो लो ना, मानते भी नहीं हो, चलो मान तो लो, फिर कहते हैं आपको तो शौक है, याद है आप और अली अली भी कहा कि मम्मा आपको तो शौक है काम करने का, पति आप तो नहीं कहते काम काम और काम, तो काम करना चाहिए, फिर कहते हैं आपको शौक है तो आप करती रहें बस, एक बात बोलो ना, क्या काम, क्या बात बोलूं, सही बोलती हूँ मैं, आपको भी करना चाहिए, कहने का मतलब ये था, ये जो मैं भाषण दे रही थी ना आपके लिए दे रही थी, आप मेरे पास खड़ी हो, मुझे जैसे पता नहीं, हाँ समझ आ गई आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, प्याज हमने बिल्कुल भी कर लिया है डार्क ब्राउन, और ये लहसुन गया है, ये खुशबू आई है तड़के की, तड़का बन गया यहीं पे हमारा, और अभी हम आपको बताते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं आज, माशाल्लाह जबरदस्त फरमाइश पर, पहचान चुके हैं तो बताएं, हाँ कैसे पहचानेंगे अभी हैं, हाँ देखिए जी क्या जादू करने लगी है, बिस्मिल्लाह, दो तीन चार, अल्लाह मियाँ खैर, खाने के लिए है ये, और ये साथ में ना हमारे जो है ये टीनियाँ बन रही हैं, क्या कहते हैं इसको, चप्पन कद्दू, ये मैंने आते ही चढ़ा दिए थे, तो और यहाँ पे जा रहे हैं क्रश धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं पाउडर बनाते किसी भी चीज़ का, और इस दफा तो ये जो हमारी मिर्ची है ना ये भी गांव से आई थी, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर गया, अच्छा गांव से मिर्ची आई थी वो गोल वाली ना, तो अपनी तरफ से तो कोशिश की थी कि उनको धूप लगा के करें, लेकिन वो मेरी दादी कहा करती थी उल्लू करे कवलियां ते मौला करे सवलियां, यानी अल्लाह ताला जो है ना इंसान तो जो है ना वो करता रहता है उल्टे काम, ये सॉल्ट गया, और अल्लाह ताला जो है ना वो सीधे कर देते हैं सारे, तो अल्लाह ताला ने इसी तरह सीधा किया, अच्छा वो मिर्चों की बात कर रही थी मैं, गोल मिर्चें उनको साफ़ कर करके धूप करके लगवा के ना तो पिसवाया, जब पिसवाया तो वो बिल्कुल कड़क वाली नहीं, सूखी थी थोड़ी, उनमें नमी थी, माशाल्लाह वो इतनी अच्छी बन गई है ना, क्रश्ड नॉर्थ पाउडर क्रश्ड चिलीज बन गई हैं वो, और इतना अच्छा माशाल्लाह उसकी खुशबू और जायका आता है ना, अब मैंने कहा ये तो अपनी तरफ से तो उल्टा काम हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने कितना अच्छा सीधा काम कर दिया है, अब आप बताएं हम क्या बना रहे हैं, आया आपको कुछ ख्याल और आइडिया, क्योंकि हमने आपको दिखाई है मेन इंग्रेडिएंट्स जो हम कर रहे हैं ग्रैंड, हाँ जी अब तो समझ आ गई होगी सबको, जिसका जिसका कमेंट्स में सबसे पहले जवाब आएगा हम समझेंगे वो बहुत जहीन है, उसको समझ आ गई थी, देखते हैं भी आज की वीडियो पे कौन जहीन है सबसे ज्यादा, यही यहाँ तक ही जिसने देख के कमेंट कर दिया, हाँ माशाल्लाह ये जी मसाला हमारा तैयार हो गया बिल्कुल, अब देखें क्या जा रहा है इसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये जी जा रहा है योगर्ट में ग्राइंड हुआ हुआ बेसन, अब तो पता चला बन रही है कड़ी माशाल्लाह, अच्छा ये ना 2.5 किलो दूध का मैंने बनाया था दही, गांव से खालिस दूध का खालिस दही बनवाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गया जी दूसरा जग माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गया जी तीसरा जग, इसी से आप अंदाज़ा कीजिए कि हमें कितनी बड़ी देग चाहिए कड़ी की, माशाल्लाह मोर देन 20-25% के लिए हमें चाहिए कड़ी, क्या ख्याल है जॉब से रिटायरमेंट लेके मैं यही काम ना शुरू कर दूँ, हमारा जो है ना पूरा हो गया, इसका मिक्सर देखें इतना पतला है, और इसे पका पका के काढ़ काढ़ के बनाना है इंशाल्लाह, वो कड़ी की जड़ी कड़े ना उस सस की जड़ी लड़े ना, हमें लग रहा है थोड़ी हल्दी कम है क्योंकि अभी गोल्डन कलर नहीं आया, और कड़ी गोल्डन ही अच्छी लगती है हल्दी के साथ ना, माशाल्लाह जी फाइनल लुक, और अजान होने लगी है मगरिब की अजान, उधर हम बनाने लगे हैं चपाती,
और अब हुआ है हमारा इसका पानी पूरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फूल गई भाई रोटी हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कड़ी इस तरह से कड़ रही है, बहुत स्लो फ्लेम पे रखी हुई है मैंने। इस तरह से ये कड़ कड़ के माशाल्लाह गाढ़ी हो जाएगी जितनी मुझे चाहिए। अभी इसमें है थोड़ी सी कसर ना, माशाल्लाह कोई 3-4 घंटे हो गए हैं पक रही है। और यहाँ पे ये मैंने काट लिए हैं सब्जियाँ बनाने के लिए पकोड़े, तो इंशाल्लाह अब इनको मिक्स करके तो पकोड़े बनाती हूँ। अभी थोड़ी और गाढ़ी चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ थोड़ी सी गाढ़ी तो फिर पकोड़े डालने से भी हो जाती है। माशाल्लाह ये सब्जियों में सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, बस मिक्स करती हूँ अब इनको। स्पाइसेस मिक्स कर लिए हैं, बेसन जस्ट मैं इनको बाइंडिंग के लिए, इन सब्जियों को बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। मुझे पकौड़ों में बहुत ज़्यादा बेसन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है, या मेरा मानना ये है कि सब्जियां खाने का बेहतरीन बहाना जो है ना वो पकौड़े हैं। अगर हम सब्जियां कम करें और बेसन ज़्यादा डालें, फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो हमारा ये सब्ज़ी खाने का जो है ना मकसद वो पूरा कर सकेंगे। वैसे तो हर किसी की अपनी पसंदीदा होती है, कुछ लोग ना सिर्फ बेसन के ही पकोड़े बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सब्जियां खानी चाहिए पकोड़ों के बहाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जी पकोड़ों के लिए ऑयल तो कम है, मेरे पास ये पड़ा हुआ है सरसों का तेल, खालिस सरसों का तेल गांव से आया हुआ, मैं ये ऐड करती हूँ इसमें। जी सरसों का तेल मैंने ऐड कर लिया इसमें ताकि पकौड़े जल्दी बन जाए। यहाँ मुल्तान में जो है ना, हमारे यहाँ गैस जाने का टाइम होता है, गैस चला जाता है 9:15 तक, इसलिए मैं चाहती हूँ काम जो है ना मेरा अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। ऑयल ये वाला डालने से ठंडा हो गया है, गर्म होता है फिर इसमें झाग भी आ गई, क्योंकि मैंने अभी इसको, ये अपनी ऑर्गेनिक हालत में है, मैंने इसको अभी किया नहीं है, रिफाइन नहीं किया मैंने। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन पकौड़े बन रहे हैं, ज़्यादा सब्ज़ी कम बेसन के साथ। शायद आपको अच्छे ना लगें कड़ी के हिसाब से, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। ठीक है, ये देखें जी माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन पकौड़े। बेसन कड़ी तो खुद ही सारा बेसन होता है ना, फिर उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी ऐड हो जाए तो ज़्यादा मज़ा देता है। माशाल्लाह ये कैसे अच्छे अच्छे पकौड़े बने। चूल्हा मैंने चेंज कर लिया है, ये पहले ये शहद लाए थे लेकिन ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगा ना, आज ये लेके आए हैं। इससे पहले एक और था, अब मुझे उसका नाम भूल गया, मरहबा था शायद ना, तो पता ही नहीं चलता। अगर आपको आपको हाँ ये तो एक ही कंपनी के, अगर आपको किसी ऐसी कंपनी का पता जिसका हनी जो है ना बिल्कुल प्योर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कब से मैं तलाश कर रही हूँ कोई ऐसी कंपनी जिसका शहद जो है ना प्योर हो, नहीं मिल रहा। धोखे भी बड़े खाए हैं लोगों से, देसी लोगों से ना, कि अभी छत्ते से उतार के लाए, पता चलता है छत्ता पिछले साल का था, बीच में 2 मक्खियां मारी और शीरा पका के दे दिया। अल्लाह भला करे ऐसे लोगों का, भी हैरानी होती है मुझे तो, क्या सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। माशाल्लाह जी पकोड़े बन चुके हैं, ये हमारा आखिरी फ्लॉक था, ये भी माशाल्लाह रेडी है। बस कड़ी भी हमारी देखें, खद खद पक पक के देखें, तय है कैसे आ रही है ना मलाई की तरह, रेडी है। बस इसको मैं अब भगार लगा के तो पकौड़े इसमें मिक्स करती हूँ। ठीक है, ये जी भगार के लिए मैंने लहसुन छील के काट के डाल दिया है इसमें, और कड़ी माशाल्लाह तैयार है बिल्कुल, पकोड़े भी तैयार हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पकोड़े, और जैसे ही भगार बन जाता है तो वो भी डालती हूँ। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह है, बरकतुल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसके है ये जी, हमारा भगार तैयार है, इसमें मैंने डाली है हल्दी और क्रशी करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेटी से कहा था दिखाएं इसको, जब मैंने भगार डाला तो उसने बस दिखा दिया। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कड़ी तैयार है। और जी जब से आई हूँ ड्यूटी से, बैठी यहाँ पे किचन में खड़ी हूँ मैं इस वक्त, रात के मेरा ख्याल है 9 बजने वाले हैं, अंदाज़ा कीजिए एक खातून की ज़िंदगी, 8 के बाद 9 ही बजते हैं ना।
नहीं बचे अभी, देख रहा अभी मेरी बेटी कह रही है अभी और खड़े हो सकती हैं। यही मतलब है ना, ये खुद चाय बना रही है, चाय बनाते वक्त इसका हाथ देखें कैसे हिल रहा है, बस नहीं हिल रहा, बड़ी मुश्किल से ही। ये देखें जी माशाल्लाह कड़ी देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ख़ास तौर पे मेरा जो पैगाम होता है ख़वातीन के लिए, काम काम और काम, हम इतना काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर बार के लिए। अगर औरत की फितरत में से काम निकाल दिया जाए ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं बचता सिवाय डेकोरेशन पीस के, और डेकोरेशन पीस की ज़िंदगी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर वो बदलना भी पड़ जाता है जब उस पर मिट्टी घट्टा जम जाए। फजूल नहीं है तो और क्या, काम नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं है लाइफ। तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, काम ना करें, काम काम और काम, जाके देखें तो मिट्टी घट्टा बन जाता है, जम जाता है ना डेकोरेशन पीस के ऊपर। डेकोरेशन पीस के ऊपर तो और क्या, जो काम नहीं करेगा तो वो क्या होगा, इंसान बेटे काम के लिए होता है वो, कोई दूसरों के क्या मतलब, मेरे बच्चे मेरा शौहर दूसरे हैं, आज की नस्ल यही तो समझती है। फिर माँ फिर आप मुझसे क्यों काम करवाते हो, ना करवाया करो फिर, कभी आप कुछ कहती हैं कभी कुछ, तो कुछ कभी कहती हैं औरत को काम करना चाहिए ना, तो आप तो एक्नॉलेज भी नहीं करते, रूज आप तो एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, चलो मान तो लो ना, मानते भी नहीं हो, चलो मान तो लो, फिर कहते हैं आपको तो शौक है, याद है आप और अली, अली भी कहा कि मम्मा आपको तो शौक है काम करने का, खुद ही आप तो नहीं कहते काम काम और काम, तो काम करना चाहिए, फिर कहते हैं आपको शौक है तो आप करती रहे बस। एक बात बोलो ना, क्या काम, क्या बात बोलूं, सही बोलती हूँ मैं, आपको भी करना चाहिए। कहने का मतलब ये था, ये जो मैं भाषण दे रही थी ना आपके लिए दे रही थी कि आप मेरे पास खड़ी हो, मुझे जैसे पता नहीं है। हाँ समझ आ गई आपको। चलें जी दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत चाहूंगी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ये चाय जी बहुत प्यारी सी बन गई है, हमारी बेटी आज हमें चाय पिलाएगी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।